टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हमने वेव की इक्वेशंस देखी, वेव की इक्वेशंस के ऊपर कंपैरिजन करके हमने देखा कि वेव की इक्वेशन को कंपेयर करके कैसे एम्पलीट्यूड निकलेगा। अब हम करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं और एक नई वेव पल्स जनरेट होती है, एक नई वेव जनरेट होती है, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। एक सिंपल तरीके से बताता हूं। सपोज करो आपके पास एक वेव पल्स है कुछ ऐसी, एक स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं, तो मैंने एक स्ट्रिंग में एक वेव पल्स को जनरेट कर दिया और वो वेव पल्स का एम्पलीट्यूड कितना था, मान लो 4 सेंटीमीटर। ये कहां प्रोड्यूस की मैंने, टूवर्ड्स राइट प्रोड्यूस की। एक स्ट्रिंग है, एक वेव पल्स मैंने उल्टी जनरेट की इस तरफ जिसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर, एक 4 और एक 3। इमेजिन करो कि रास्ते में एक पॉइंट पी है, अगर एक वेव पल्स आती 4 सेंटीमीटर की तो होता क्या, पी पॉइंट में जब क्रॉस करती तो पी पॉइंट पहले ऊपर जाता 4 सेंटीमीटर, फिर नीचे आता, बात खत्म, वेव पल्स उसमें से पास हो जाती, ऐसे होता। अगर 3 सेंटीमीटर की पास आती तो 3 सेंटीमीटर जब क्रॉस करती पी में से, तो 3 सेंटीमीटर क्रॉस करती पी पॉइंट 3 सेंटीमीटर ऊपर जाकर नीचे बैठ जाता, बात खत्म, वेव पल्स बीच में से निकल जाती। पर अब सपोज सोचो दोनों इकट्ठी आ रही हैं और इकट्ठी पी पॉइंट पे पहुंच गई, अब पी पॉइंट क्या करेगा, वो भी एनर्जी दे रही है पुश कर रही है, ये भी एनर्जी दे रही है पुश कर रही है, तो पी पॉइंट क्या करेगा, अब कितने सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, एड करके 7, डबल एनर्जी मिली हुई है उधर से भी और उधर से भी, तो पी पॉइंट 7 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके बैठ जाएगा। अगली स्टेज क्या होगी, फिर क्या होगा, खत्म, वेव खत्म, पी पॉइंट बैठ गया, काम खत्म, नहीं, क्या होगा, हाँ, उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर का पल्स लेफ्ट चला जाएगा और 4 सेंटीमीटर का पल्स राइट चला जाएगा, ऐसे डायग्राम बनेगा, एनर्जी लॉस तो है नहीं, इसमें से क्रॉस कर जाएगा, हम बोलेंगे वेव प्रोपगेशन हो गया। इंपॉर्टेंट यह है कि पी पॉइंट पर दो वेव्स अपने एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट दे रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, अगर एक वेक्टर ऊपर की तरफ है दूसरा वेक्टर भी ऊपर की तरफ है और पी पॉइंट में जब दोनों वेक्टर्स ऊपर की तरफ होंगे, दो वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो ऐड हो जाएंगे, 3 + 4 = 7 हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो अगर एक वेव पल्स 4 सेंटीमीटर की है, ये राइट जा रही है, और दूसरा वेव पल्स 3 सेंटीमीटर का है, ये लेफ्ट आ रहा है, और ये पार्टिकल क्या है, पी, तो जब ये दोनों पल्सेस क्रॉस करेंगी तो पी पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और बात खत्म, और फिर नीचे आ जाएगा, और फिर इसमें से क्या होगा, 3 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर क्रॉस कर जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, सुपरपोजिशन है क्या। अब इमेजिन करें कि मान लो मैं एक पी पार्टिकल हूं, मैं हूं, और मान लो मेरे अंदर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, मैं स्ट्रिंग का पार्टिकल हूं, और या सपोज करो हवा में कई वेव्स हैं, स्ट्रिंग को भी छोड़ो, मैं पी पार्टिकल हूं, एक वेव मेरे अंदर से क्रॉस होती है जिसका एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, तो मैं 4 सेंटीमीटर ऊपर जाके नीचे आऊंगा, उसी टाइम एक और वेव मेरे अंदर से पास हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड 7 सेंटीमीटर है, उसी टाइम एक और वेव ऐड हो रही है जिस मेरे अंदर से पास हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, तो मैं कहां जाऊं। आप कहोगे सर ये देखना पड़ेगा कि पहली वेव आपको ऊपर भेज रही है, दूसरी वेव नीचे भेज रही है, तीसरी कहां भेज रही है, देखना पड़ेगा, और फिर मैं क्या करूंगा, सबका रिजल्टेंट लेके बताऊंगा कि आपका वाई क्या होगा। इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ठीक है यहां तक। तो सुपरपोजिशन की डेफिनेशन है क्या, प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ट्रेन ऑफ वेव ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम साइमल्टेनियसली, अलग अलग ट्रेन ऑफ वेव्स हैं साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर रही हैं, ओवरलैप ऑन वन अनदर विदाउट लूजिंग दर इंडिविजुअल शेप या नेचर। अगर मान लो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव ही रहेगी, उसकी शेप नेचर खराब नहीं होने वाली, एक पल्स है, पल्स की पल्स ही क्रॉस कर गई, इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी किसी भी पार्टिकल की, वो वेक्टर सम होगा, y1 वेक्टर, y2 वेक्टर, अप टू yn वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, कोई डाउट इसमें, ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है।